ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यूएन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन की, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। योग दिवस पूरे वैश्विक स्तर पर पहचान बनाते हुए योग दिवस, योगाभ्यास की तस्वीरें आपने देश के अलग अलग हिस्सों से देखी, लेकिन दिन भर में ये तस्वीर जरूर ऐसी मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं छिपी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब तक आपने योगा करते हुए नहीं देखा है योग दिवस के मौके पर, कहीं ना कहीं वो खल रही थी कमी। लेकिन अब ये देखिए तस्वीरें, आप नॉर्थ लॉन की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, पहले से ही बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, पीएम मोदी के साथ यहां पर योगा करने वाले हैं। विश्व को योग का मंत्र भारत की तरफ से मिला, वसुधैव कुटुंबकम, यही थीम इस बार योग दिवस का भी, और उसी की प्रत्यक्ष तस्वीरें आप फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ना सिर्फ भारत में आपने देखा अलग अलग हिस्सों में जहां पर योगाभ्यास किया गया, बल्कि अभी आप देखेंगे किस तरह से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यूएन हेडक्वार्टर्स का नॉर्थ लॉन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं पीएम का स्वागत करने के लिए। काफी मदद की भारत की इंडस्ट्री को, भारत के उद्योग धंधों को, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर होने से बची पोस्ट कोरोना पीरियड में, और कोरोना के बाद तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला भारत एकमात्र देश है जहां अब माना जा रहा है, जहां की ग्रोथ रेट सारे जो 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 रेटिंग एजेंसी उन्होंने 6.6 से ज़्यादा भारत की 6.77 तक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो अब भारत बदल रहा है और इसी बदलते भारत और ताकतवर हो रहे भारत की तस्वीर दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी पेश कर रहे हैं, और भारत एक ब्रांड इंडिया के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और यही प्रधानमंत्री आज भी अब सबके साथ योग करेंगे तो यही संदेश दुनिया भर के देशों को जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री को खुद देखिए वेव करते हुए लोगों को निकल रहे हैं आगे से, और हर शख्स जो यहाँ सुबह सुबह पहुंचा है, अमरीकी समय अनुसार अभी 8:15 का समय हो रहा है, तो हर शख्स जो यहाँ पहुंचा है योग करने का समय ही सुबह का समय होता है, जब आप जब सोकर उठते हो उस समय आप फ्रेश होते हो और उस समय योग करने का समय होता है। इसलिए प्रधानमंत्री भी अब होटल से यहाँ पहुँच कर अब योग करेंगे और सुरक्षा घेरे से जुड़ते हुए वो मंच में पहुँच रहे हैं। आगे की तस्वीरें जब देखेंगी, जब पूरा एक घंटा यहाँ पर योग का कार्यक्रम चलेगा, योग में जितने भी आसन हैं यहाँ मैं आपको बता दूँ, योग के जितने भी आसन हैं यहाँ पर लोग तैयार हैं, अपने मैट्स पर तैयार हैं, लोग जानते हैं स्टे फिट और स्टे हेल्दी का जो प्रधानमंत्री का मंत्र है वो भी काफ़ी कारगर साबित होता है, इसमें योग काफ़ी मददगार साबित होता है। योग कि इसी मददगार साबित होने में और इसी योग दिवस के प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, 9वां अंतर्राष्ट्रीय watching on web TV and joining us today, namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we are deeply honored. We are so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. A distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. फिर आप टीवी स्क्रीन पर यूएन हेडक्वार्टर्स के नॉर्थ लॉन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिससे जुड़ी ये तस्वीरें बेहद खास है, क्योंकि भारत में तो अलग अलग जगह आपने देखा ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई, हमारे जवानों ने योग अभ्यास किया, नेताओं ने यहाँ पर योग अभ्यास किया, आम लोगों से लेकर बच्चा बच्चा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता हुआ नजर आया। लेकिन ये तस्वीर इसलिए भी खास क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है शुरुआत से प्रधानमंत्री देते आए, और आज भी अपने वीडियो संदेश के दौरान उनकी तरफ से बात कही गई कि योग एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ती है, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो निश्चित तौर पर इन तस्वीरों के जरिए भी प्रत्यक्ष होती है। किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं योगा मैट के साथ,
आज इन्हीं तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था। शुरुआत से आपने देखा कई बड़े लोगों को जो कि योग अभ्यास करते हुए नजर आए, लेकिन जिनकी तरफ से योगा को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की बात कही गई थी, ये प्रयास किए गए थे, वो आज आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस विजिट के दौरान भी योगाभ्यास करते हुए आज आपको वो नजर आएंगे। वहां करीब सुबह 8:15 का समय है, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही उनकी जय घोष शुरू हुई और उसके बाद अब यूएन हेडक्वार्टर में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है हम ये सीधे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि योगाभ्यास यहां पर करते हुए आपको दिखने वाले हैं। योग दिवस पर काफी खास कार्यक्रम, ये माना जा रहा था कि जब यूएस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो हो सकता है कि योग दिवस के दौरान इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से लगातार योगा को पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से खुद किया जा रहा है, इस मौके पर ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। यूएस विजिट पर पीएम मोदी, यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग उनके आगमन से कितने उत्साहित हैं इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। पीएम के आगमन के साथ ही इस कार्यक्रम की घोषणा पहले ही हो चुकी थी कि इसी तरह से प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे, आम नागरिकों के साथ यहां पर योगा करते हुए नजर आएंगे। वीडियो संदेश भी भारत की जनता के नाम उन्होंने जारी किया, विश्व को योग का मंत्र देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग दिवस पर, नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही संदेश एक बार फिर से हो सकता है कि इस मंच से साझा करें कि योगा एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना जिसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री की हमेशा से ही रही, इस प्रयास में भी कुछ और पंक्तियां जोड़ता हुआ ये दृश्य आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूएन हेडक्वार्टर्स के नॉर्थ लॉन की ये तस्वीरें। भारत का हर एक व्यक्ति आज इन तस्वीरों को देखकर निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस करता होगा कि कैसे पीएम के इस प्रयास के जरिए, भारत के प्रयास के जरिए योग को इस स्तर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई है कि पीएम मोदी आज यहां पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए हैं। और आपको यह भी बताएं कि न्यूयॉर्क के मेयर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, यानी कि तमाम बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। और उसके बाद यूएन हेडक्वार्टर की जो तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं, इस स्तर तक पहचान दिलाना योगा को बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। आपने शुरुआत से ही सफर भी देखा कि कितने कठिन प्रयास के बाद योगा को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल पाई, जिसे निरंतर अपने प्रयासों से और सफल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी बहुत खास कि किस तरह से जितने भी लोग हैं योगा के महत्व को समझ पाए हैं और आगे इसे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी लाभ तो होते ही हैं, साथ ही साथ आत्मा की शांति, मन की शांति के लिए योगा कितना जरूरी है, ये अक्सर प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य के दौरान भी इसका जिक्र कर चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत खास हो जाती हैं तस्वीरें। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश भारत की तरफ से हमेशा ही रही, प्रधानमंत्री का भी एक ऐसा सहयोग इसमें मिला कि इस प्रयास को इस इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना और उसके बाद इतने सफलतापूर्वक इस तरह के कार्यक्रम को यहां पर कंडक्ट करवाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स नॉर्थ लॉन की तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे ये भी आप देखिए। प्रधानमंत्री के स्वागत के साथ ही, आगमन के साथ ही, पूरे उत्साह के साथ योग दिवस को मनाने की स्पिरिट जो कि आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, योगा मैट लेकर सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। डिस्पाइट रिगार्डिंग आवरसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेटिकली डिटैच्ड फ्रॉम अदर क्रिएचर्स, आई ऑल्सो लर्नड दैट द एनर्जीज इन द यूनिवर्स एंड इनसाइड अस अबाइड बाय द सेम लॉ, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly,